हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। आयरन एग्जिबिट बीसीसी स्ट्रक्चर एट अ रूम टेम्परेचर। तो देखो भाई, एफई जो है वो रूम टेम्परेचर पर बीसीसी की तरह काम करता है, ठीक है, बीसीसी स्ट्रक्चर शो करता है। अबव 900 डिग्री सेल्सियस इट ट्रांसफॉर्म इनटू एफसीसी। अच्छा सवाल है, 2019 में आया हुआ है नीट में। तो बीसीसी रूम टेम्परेचर पे, अबव 900 एफसीसी। द रेशियो ऑफ डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी का रेशियो निकालना है, ठीक है। एज्यूमिंग मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ आयरन रिमेन कॉन्स्टेंट विद द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से मोलर मास में कोई फर्क नहीं आने वाला है, रेडियस में भी कोई फर्क नहीं आने वाला। आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप लोग जल्दी से कर लेंगे। क्या करना होगा इसमें, सोचिए। इसमें अपना जो एफई है, एफई वो दो स्ट्रक्चर शो कर रहा है, एक बीसीसी और एक एफसीसी। बीसीसी एंड एफसीसी, ये रूम टेम्परेचर पे, हालांकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं, वो तो उसने बता रखा है डेटा। हमें क्या करना है इससे, हमें तो डेंसिटी का रेशियो निकालना है, रूम टेम्परेचर और ये 900 डिग्री सेल्सियस अबव, ठीक है। मोलर मास सेम है, कैपिटल एम, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट दोनों में सेम है। और दूसरा क्या बोला था, सेम है एटॉमिक रेडियस, तो रेडियस भी क्या है, सेम है, दोनों में रेडियस भी सेम है। तो इसकी डेंसिटी d1 ले लो, इसकी डेंसिटी d2 ले लो, उसका रेशियो निकाल लो। डेंसिटी का फॉर्मूला z इंटू मोलर मास अपॉन na इंटू वॉल्यूम। अब ये दोनों ही क्यूबिक हैं, तो आप a क्यूब लिख सकते हो। अब देखो, मोलर मास तो फिक्स है, कांस्टेंट है, na भी फिक्स है, वेरी क्या करेगा z, और दूसरा वेरी करेगा दोनों में ना a क्यूब लिख के काट देना, ये बेवकूफी ना कर देना। एक बीसीसी है और एक एफसीसी है, तो दोनों में एटम की रेडियस की जो बॉल है वो सेम है, बॉल सेम है, इक्वल डायमेंशन की है, तो ए और आर में तो रिलेशन लिखोगे ना। तो जेड अपॉन ए क्यूब, इसका रेशियो आप निकाल लो और चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसमें अपने को जेड दिया हुआ है, जेड दिया है, जेड दोनों का निकाल लेंगे और एन ए, चलिए निकालते हैं। डी वन, D1 के लिए क्या लिख देंगे, यहां पर BCC में 2 मोलर मास m अपॉन na और यहां पर a क्यूब, तो यहां पर a बराबर कितना होगा, a और r में रिलेशन 4r इज इक्वल टू रूट 3a, तो 4r बाई रूट 3, 4r बाई रूट 3 का होल क्यूब। और D2, D2 क्या हो जाएगा, FCC में क्या होता है, z 4 कॉर्नर प्लस फेस सेंटर 4 इंटू मोलर मास अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब 2 रूट 2 का होल क्यूब, ये कितना आता है 16 रूट 2 आर क्यूब, 16 रूट 2 आर क्यूब। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, एम और एन ए कैंसिल हो जाएगा, एम और एन ए दोनों में कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये आर क्यूब से आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करके लिख लीजिए कितना बना, किसी का आंसर आया, ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, डी वन अपॉन डी टू इज इक्वल टू, क्या आंसर आ रहा है, 3 रूट 3 अपॉन 4 रूट 2, 3 रूट 3 अपॉन 4 रूट 2, पहले वाला।